दो जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल। पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करे होंगे, साल में एक बार भगवान तिरुपति नाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज, पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना करकर रज को धोकर उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर, संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है, तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहां बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो, स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम नीचे कपिलेश्वर पर जाओगे पानी लगेगा, वो रज तुम्हारे कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तब लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी।